हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि हमेशा से क्या है, एक टेक्निकल इक्विपमेंट पे वीडियो लाता हूं। मेरा चैनल का नाम स्किल बिहार नंबर वन और चंडी में टेक चैनल, दो चैनल में चलाता हूं दोस्त। और दोनों चैनल पे आप लोग के लिए हमेशा से एक यूजफुल वीडियो लाता हूँ। देखिए, आज मेरे पास एप्सन का L210 देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखें, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें L210 मॉडल नंबर है इसका। क्या है दोस्त, एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो कमेंट में लिखें कि सर इसका हेड जब आप चेंज करते हैं तो हेड आप मतलब हेड को हम ओपन करने का वीडियो बनाएं तो इसको फिर से लगाने का भी वीडियो बनाएं, मतलब हेड को किस तरीका से इसमें लगाते हैं। तो चलिए मैं आपको आज बताता हूं पूरा स्टेप। तो देखें, सबसे पहले मैं इसको ओपन करके रखा हूं। ये देखें हेड है। सबसे पहले क्या करें दोस्त, अगर कभी भी आपका प्रिंट सही नहीं आता हो या कोई कलर मिसमैच कर रहा हो, तो इसको तो फिलहाल मैं कर दिया हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा वाला एक इंजेक्शन ले लें, इसमें पानी को शक करें। शक करने के बाद देखें इस तरीका से इसको लगाएं। लगाने के बाद अगर यहाँ से आप पंप करेंगे ना, लेकिन याद रहे दोस्त ये लॉजिक कार्ड है ना, इसको ऊपर रखना है, क्यों इधर अगर पानी चला गया तो क्या ये हेड खराब हो सकता है। यहाँ से अगर शक करेंगे तो बिल्कुल क्या है, ये फवारा जैसा करके ये क्या करेगा, पूरे को क्लीन करेगा। तो बारी बारी से क्या है, सब में एक एक बार आप कर दें। करने के बाद क्या है दोस्त, ये देखें हेड को किस तरीका से लगाना। फिलहाल मैं इसको क्लीन करके रखा हूँ, आप देख सकते हैं। अभी देखें ये हेड का केबल है दोस्त, इस हेड केबल को लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारा केबल इस तरीका से इसमें फिट हो जाएगा। कुछ हड़बड़ी ना करें दोस्त, याद रहे, नहीं तो आपका क्या है प्रिंटर ख़राब हो सकता है। बिल्कुल तसल्ली इस करें, देखिए इस केबल को आराम से लें। मैं बिल्कुल ये निकाल कर रखा हूँ और आपको आज लगाने का पूरा विधि बताता हूँ। और बिल्कुल यकीन करें कि हेड हमारा सही से बैठ गया है। अगर हेड सही से फिट नहीं होगा तो क्या है आपका प्रिंटर ख़राब हो सकता है। अब देखें इसको लगाने का, इसके अंदर तीन ये स्क्रू है दोस्त। एक देखें फर्स्ट यहाँ पे है, इसको यहीं से यहाँ पे लगा दें। आज मैं आप मेरा वीडियो में बने रहें, आज मैं आपको 210 का फुल रिव्यू बताऊँगा। 210 नहीं दोस्त, कोई भी प्रिंटर का हेड लगाने का एप्सन का यही तरीका है। ये एक तरह से मानिए बेसिक तरीका है, ये अगर सीख गए तो सब में लगा सकते हैं। ये देखिए लग गया। लगने के बाद सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे ये इस टाइप का ये अपना हमारा जो कार्टेज है दोस्त, इसका ये लगाने का एक तरह से ये स्टैंड टाइप का है। इसको देखिए लगाने का तरीका, देखिए इसके अंदर दो लॉक टाइप का है। इसको क्या करेंगे, इसमें इस गरारी में ऐसे फंसाएंगे, ये देखें आराम से फंस जाता है, ये लग गया। और लगने के बाद अभी कलर किस तरीका से लगाएंगे, तो देखिए हमेशा याद रहे ऐसे अगर पाइप यहाँ पे रखाएगा, सबसे पहले हमारा क्या आएगा वहाँ पे, देखें यहाँ पे क्या जाएगा, ब्लैक। तो यहाँ पे हमको ब्लैक लगाना है। फिर ये देखिए दूसरा ये हमारा क्या है, ये येलो, तो येलो जाएगा। ये फिर क्या है, ये मैजेंटा हो गया। फिर ये देखिए मैजेंटा, ये हो गया स्यान। तो हमारा हो गया फिट, ये देख सकते हैं दो इधर का है। तो आप यहाँ से इसके पाइप को ऐसे फिट कर दें, ये देखें दो हमारा क्या है यहाँ का है। तो आप इसको यहाँ से फिट कर दें, ये देखें इस तरीका से, ये हमारा चार पाइप लग गया। ये इस तरीका से इसको घुमा भी सकते हैं अगर आपको लगे कि पाइप एडजस्ट सही से नहीं है। और ध्यान रहे इसको एक बार आप मूव भी करके देख लें, कहीं फंस उस तो नहीं रहे। अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक बार इसको पहले लगा लेते हैं, ये देखें यहाँ पर। अभी इसको लॉक कैसे करेंगे, ये देखें अभी हम क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले ये देखें इसको लगा लेते हैं यहाँ से। ये लगाने के बाद वो करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, ये अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये पट्टी आपका सही से मूव नहीं करेगा, तो इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं आपको इसको लगा के बताता हूँ। देखिए ये लग गया है, ये लगने के बाद फिर मैं इसको लगाता हूँ अभी फिलहाल। ये देखिए ये सबको लगाना ना भूले, ये क्या है याद रहे फिटिंग इसका सही से करना है। अगर सही से फिट नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं बैठेगा। ये फिट हो गया, फिट होने के बाद अब हमको क्या है, इसका एक स्क्रू यहाँ पे लगेगा। मैं स्क्रू लगा के आपको बताता हूँ। देखे दोस्त, ये सबसे पतला स्क्रू यहीं यहीं का रहता है।
यहाँ पे ये हमारा ये लग गया। अगर ना लगे तो बड़ा वाले से भी लगा सकते हैं, अगर आ जाए तो ये देखिए ये इससे भी लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए लग गया। मेन इम्पोर्टेंट क्या है दोस्त, ये हमारा जो केबल देख रहे हैं जिगजैग की तरह दिख रहा है, इसको लगाने के लिए ये पट्टी दी, इसका क्या है ये वाला भाग जो है देखें ये नीचे जाएगा दोस्त, इसको ये देखें इस तरीके से यहाँ पर रखें और क्या करना है देखें थोड़ा सा नीचे को ऐसे पुश कर देना, ये देखें लॉक हो गया। अभी हमारा हेड देखें स्मूथली घूम रहा है, कोई दिक्कत है। अब ये देखें थोड़ा सा हमारा क्या है डर्टी गंदा है, अब इसको हम थोड़ा सा साफ किस तरीके से करेंगे इसका, ये अगर इसको साफ नहीं करेंगे तो आपका पेज पे कहीं कहीं काला काला धब्बा जाएगा। देखिए इसको इस तरीका से अच्छा से ये देखें एक कॉटन की मदद से कोशिश करें, अगर इस तरीका से ऐसा रुई अगर फंस रहा तो आप क्या करें थोड़ा सा इसमें देखिए पानी डाल लें, अभी मैं डाल लिया देखिए वाटर, अब आपका रुई नहीं फंसेगा। अब आप इसको आराम से थोड़ा सा पानी से इसको ये देखें ये इस तरीका से इसको अच्छा से क्लीन कर दें। अगर आपको लगे कि सही से नहीं हुआ है तो थोड़ा सा और ले लें, ये देखें इसको से अभी इसको अच्छा तरीके से इसको, मतलब मेरा कहने का मतलब तो इसको क्लीन अच्छा से करें, क्योंकि क्या करता है वेस्टिंग की यहीं से हमारा शक करता है। अगर ये भी दिक्कत रहेगा तो क्या है आपका प्रिंट क्वालिटी सही नहीं आएगा, ये देखें कितना कचड़ा था। अभी ये हमारा दोस्त हेड हमने लगा दिया है, तो आप जो मेरा कमेंट किए थे देखिए इस तरीका से हेड फिटिंग होता है। उसके बाद हेड फिटिंग के बाद क्या है ऊपर का हमारा स्कैनर, देखिए इसको लगाने का सिंपल क्या तरीका। पहले ये जो केबल है ये देखें किसी ने क्या किया ये केबल को ही, ये पूरा केबल ही खराब है देख सकते हैं दोस्त। अभी इस केबल को मैं आपको क्या है ये केबल ठीक नहीं लग रहा है, ये देख सकते हैं किसी ने इसको रिपेयरिंग के लिए लाया होगा, तो हमारा ये केबल सही नहीं है। हम कोशिश करते हैं अगर ये अगर कभी भी आपका इस तरीका से केबल हो तो ये प्रिंटर नहीं चलेगा, या तो केबल को चेंज करें या इसको कटिंग करके फिर से इसको वो करें, नहीं तो नहीं चलेगा दोस्त। अभी मैं देखता हूँ अगर ये नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे इसको कैंची की मदद से इसको कटिंग करने की कोशिश करेंगे। अगर इस तरीका से केबल आपको दिखता है तो जान जाए दोस्त आपका प्रिंटर मूव नहीं करेगा, स्कैनर असेंबली आपका मूव नहीं करेगा। फिलहाल मैं एक बार देख लेता हूँ लगा के, लेकिन मेरे को तो नहीं लग रहा कि इसका स्कैनर चलेगा, बट मैं आपको एक लगाने का तरीका बताता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी देखिए लगाने का तरीका, सबसे पहले इस ये जो केबल है इसको इस हाथ से पकड़े और इसमें देखिए यहाँ पर डालें, यहाँ पर डाल के एक हाथ से इसको ऊपर करें, करने के बाद सबसे पहले आप क्या करें इसको यहाँ पर डाल के ये लगा दें, लग गया। लगने के बाद पहले इसको बैठाएं, फिर ये क्या करना है ये देखें कैसे आराम से बैठेगा, इसको यहाँ लेके जाएं ऊपर। ये सब तरीका अगर आपको पता होगा तो क्या है ब्रोकन होने का चांस नहीं रहेगा। इसके बाद देखिए इसको मैं यहाँ से कसता हूँ, ये देखें ये दोस्त ये हमारा पूरा प्रिंटर का प्रिंटर देखें 210 लगा दिया। अभी हम क्या करेंगे आपको मैं दिखाता हूँ इसको ऑन करके, मैं इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ क्या है। देखिए दोस्त ये पावर केबल मैं लगाता हूँ, मैं हमेशा से क्या है जेन्युइन वीडियो बनाता हूँ दोस्त, कोई भी झूठ का वीडियो बनाता नहीं, जो आपके सामने ही दिखाता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें ढेर सारा प्यार दे। अभी देखें मैं आपको दिखा दूं, देखिए हमारा ये देखें इसका स्कैनर यूनिट मूव नहीं कर रहा है, अब देख सकते हैं ये इसलिए मूव नहीं कर रहा है दोस्त क्यों उसका केबल ख़राब है। अभी मैं आपको एक बार केबल भी चेंज करके बताऊंगा। ये देखें प्रिंटर फर्स्ट क्लास ऑन हो गया, मैं आपको ऊपर करता हूँ इंक गिर जाएगा, अब देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइट आ गया। फिलहाल मैं देखता हूँ इसमें क्या, ये देखें एक साउंड भी आ रहा होगा इससे, का हेड लगा सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें ढेर सारा प्यार दें, थैंक यू धन्यवाद।